नमस्कार, अन्योम हसनिका। मैं सोनू त्रिवेदी, निदेशक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय दूतावास सियोल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए साल 2021 के हमारे पहले कार्यक्रम के साथ आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। सियोल में भारत के दूतावास स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की ओर से मैं आप सभी को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हो। आज के संगोष्ठी का विषय कोरिया में हिंदी दिशा और दशा का आयोजन विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। संगोष्ठी की टीम की ओर से मैं स्वागत करना चाहती हूँ श्री रमेश पोखरियाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार का। उसके साथ साथ कोरिया गणराज्य में भारत की राजदूत महामहिम श्री प्रिया रंगनाथन जी का, विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र जो कि हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में ये सेंटर है, जिसके निदेशक प्रोफेसर हो जिन। इसके साथ साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला और हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के भारतीय अध्ययन विभाग के डीन प्रोफेसर ली युंग का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज तथा बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के अन्य संकाय सदस्य और छात्रों के साथ साथ भारत और कोरिया से जुड़ने वाले अन्य साथियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। हम इस पहल में कोरिया गणराज्य के हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के सेंटर फॉर क्रिटिकल फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन के साथ साझेदारी कर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ऐसा माना जाता है कि इसकी लोकप्रियता भारत की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ और भी आगे बढ़ेगी। दोस्तों, मैं आपके समक्ष ये भी कहना चाहूंगी कि भाषा एक ऐसी चीज है जो स्थिर नहीं होती, यह हर दिन विकसित होता है और शब्दों और साहित्यिक परंपराओं की समृद्धि इसकी शब्दावली से जुड़ जाती है। यह ऐतिहासिक काल से सिद्ध हुआ है कि भाषा उस युग और परंपरा की भावना को आत्मसात करती है जिसके माध्यम से वह आगे प्रगति करती है। हिंदी एक जीवित भाषा है और आदिकाल से यह विकसित हुआ है। हम देखते हैं कि इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी जैसे भाषाओं से कई शब्द समन्वित हुए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपनी तमाम विविधताओं के बीच भी हिंदी भारत में प्रमुख भाषा बनी हुई है और विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे कि लोग अपने लोग अपनी भारतीय संस्कृति के मूल से जुड़ पाते हैं। मेरे लिए आगे संगोष्ठी के विषय पर और बोलना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कोरिया और भारत से एक प्रतिष्ठित पैनल जुड़ा हुआ है जो दुनिया भर में हिंदी भाषा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के साथ अब मैं भारत की राजदूत श्रीमती श्री प्रिया रंगनाथन को बुलाना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपना स्वागत टिप्पणी हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। भारत के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रोफेसर कोते जिन, निर्देशक विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, प्रोफेसर ली अंगू, डीन भारतीय अध्ययन विभाग हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, भारत और कोरिया से जुड़ने वाले सभी साथियों, आप सभी को नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस डिजिटल संगोष्ठी में आप सभी को स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज का विषय है कोरिया में हिंदी दिशा और दशा। सर्वप्रथम
हांगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने सियोल स्थित भारतीय दूतावास के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ आज के निर्धारित विषय के संबंध में सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं। मित्रों, दुनिया भर में पहली भाषा के रूप में तकरीबन 430 मिलियन यानी 43 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत के अलावा नेपाल, गयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सुरीनाम, फिजी और मॉरिशियस में भी इसे बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत और फिजी में इसे आधिकारिक भाषा का स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 10 जनवरी 1975 को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की देखरेख में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्धा नागपुर में आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में तकरीबन 30 देशों ने के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उसके पश्चात जून 2005 में हुए सम्मेलन में यह तय किया गया कि हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। उसके बाद से भारत, मॉरिशियस, सुरीनाम, ब्रिटेन, अमेरिका और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में मॉरिशियस के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता सर शिव सागर राम गुलाम ने मॉरिशियस के दल का नेतृत्व करते हुए मॉरिशियस में एक स्थायी हिंदी सचिवालय का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को बाद के सम्मेलनों में सहर्ष स्वीकार कर लिया गया था और भारत सरकार की मदद के साथ 1996 में शिक्षा और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय मॉरिशस को इसके सचिवालय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 22 नवंबर 2002 को मॉरिशस सरकार ने एक विधि द्वारा हिंदी सचिवालय को स्थापित किया। इस सचिवालय की स्थापना का उद्देश्य ये था कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप और संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। विश्व हिंदी सचिवालय की नींव 1 नवंबर 2001 को भारत के तत्कालीन मानव संसाधन विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फीनिक्स मॉरिशस में रखी थी, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 13 मार्च 2018 को अपने मॉरिशियस यात्रा के दौरान किया था। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आज का विषय कोरिया में हिंदी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और पूरे विश्व में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। यह संगोष्ठी इसीलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हो जाती है क्योंकि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में कुरियन भाषा को विद्यालयों में एक विदेशी भाषा के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आज इसका भी उल्लेख करना आवश्यक है कि कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के द्वारा 2016 में हिंदी को एक विशिष्ट विदेशी भाषा के रूप में चिन्हित किया गया था। आज हिंदी उन 12 विदेशी भाषाओं में से एक है जिसमें लोगों को शिक्षित किया जाएगा और इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पहले स्तर पर चुने गए कुल 53 भाषाओं में से इन 12 भाषाओं को चिन्हित किया गया है। हांगुक विश्वविद्यालय के विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र में हिंदी समेत इन भाषाओं को कार्यों में लाया जाएगा। यह केंद्र अपना ऑनलाइन पाठ्यक्रम और टेस्ट के माध्यम से कोरिया के लोगों की हिंदी भाषा को जानने और समझने में मदद करेगी। कोरियाई लोगों के बीच हिंदी भाषा और साहित्य की शिक्षा पर प्रशिक्षण और बढ़ावे के लिए विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। हिंदी भाषा भारत से बाहर आए हुए भारतीय और प्रवासी भारतीयों के बीच में एक पुल का काम भी करता है, जिसके माध्यम से देश से बाहर गए हुए लोग भी अपने संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहते हैं।
विश्व हिंदी दिवस भी उसी क्षेत्र में किया गया एक प्रयास है। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत हम विश्व में हिंदी सीखने, सिखाने और उसके प्रचार प्रसार करने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस महामारी के दौर में जहां सीखने के तौर तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं, इसमें हमारा ध्यान संगोष्ठी के विषय कोरिया में हिंदी दशा और दिशा पर केंद्रित होगा, जिसमें हम कोरिया में हिंदी भाषा की स्थिति और इसकी भविष्य की दिशा पर चर्चा करेंगे। अंत में आप सभी को एक बार फिर से इस डिजिटल संगोष्ठी में स्वागत करते हुए मैं आपका धन्यवाद लेना चाहती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर को तेजिन, जो कि निदेशक हैं विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र हांगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में। मैं प्रोफेसर को तेजिन से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना परिचयात्मक टिप्पणी दें और हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनका स्वागत करें। I'm Professor Ko Tae-jin. Namaskar. Tadaniya Kulpati, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Professor Rajneesh Kumar Shukulji, Mananiya Ambassador Shri Priya Ranganathanji, Sammaniya Professor Leungji Oru Sunu Trivediji, Evam Sabi Mitro. Namaste. Aaj yahan aap sabhi logon ke samne speech dene ka mauka pakar मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए यह बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदी की भाषा और दिशा पर कई सालों से चर्चाएं हो रही हैं, पर उससे क्या कोई ठोस पक्ष और योजना सामने आ रहा है? दुनिया में हिंदी भाषा का कोई स्थिर स्टैंडर्ड रूप भी नहीं मिला। क्या यह दयनीय और शर्मनाक नहीं है? हमें सोचना होगा वे कौन से कारण हैं जिससे हिंदी को यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल लैंग्वेज में स्थान नहीं मिल रहा है। हमारा क्लेम कुछ भी क्यों न हो, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी नहीं है, तो इसे यूनाइटेड नेशंस क्यों महत्वपूर्ण माने? हमें यह निर्माण होकर सोचना होगा कि जहां अनेक देश की भाषा का स्थिर स्टैंडर्ड रूप है, वैसा ही हिंदी का क्यों नहीं है? जापान, चीनी, वियतनामी, अंग्रेजी आदि सभी भाषा का स्थिर स्टैंडर्ड है। उनमें प्रोफिशिएंसी और एबिलिटी संबंधी जांच है, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी हिंदी के साथ है? मुझे लगता है अगर हम हिंदी को मजबूत दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हिंदी भाषा की ठोस प्रोफिशिएंसी परीक्षा प्रणाली को विकसित करने पर ध्यान देना होगा। लोकल एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए स्तरीकरण के साथ अनफहम भाषा में यानी बोलचाल की भाषा में स्टैंडर्ड करिकुलम और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाकर मजबूत परीक्षा प्रणाली का विकास करना होगा। ऐसा सभी देश अपनी भाषा को लेकर कर रहे हैं। TOEFL, JAPT, TOEFIC आदि जैसी परीक्षाएं उन्हीं का परिणाम है। दक्षिण कोरिया जैसा देश इससे भी आगे बढ़कर अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषा के लिए भी स्टैंडर्ड करिकुलम, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, इवन इवेल्युएशन टेस्ट भी करने की कोशिश कर रहा है, जिनमें एक भाषा हिंदी भी है। कोरिया में अगस्त 2016 को विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा प्रोत्साहन अधिनियम अधिनियमित हुआ था। इससे क्रिटिकल फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज हिंदी सीखने के इच्छुक लोगों को विविध और विशिष्ट अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा ये प्रतिभाओं में विदेशी भाषा उपयोग की क्षमता विकसित करके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा भी देता है। हम हिंदी प्रेमी
भारत सरकार और भारतीय अकादमी शास्त्रों की तरफ से ऐसा काम नहीं देख सकते, जबकि हमारे पास MGAHB जैसे हिंदी को डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी भी है। ये श्री रजनीश शुक्ल जी, इसके अलावा भारत सरकार ठीक वैसा ही प्रयास नहीं कर सकती जैसा कोरिया सरकार ने भारत में किया है। कोरिया में वियतनामीज, अरबिक, फ्रेंच आदि जैसी भाषाएं हाई स्कूलों में भी ऑप्शनल पेपर के रूप में शामिल हैं। अगर हिंदी को ही कोरिया और अन्य देशों के स्कूलों में ऑप्शनल पेपर बनवाने का प्रयास हो तो कहना न होगा कि उससे हिंदी को क्या लाभ मिलेगा। सरकार हिंदी और भारत अधिक मजबूत करने के लिए फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी और हिंदी एज अ फॉरेन लैंग्वेज की अवधारणा के जरिए भी बहुत कुछ कर सकती है। मुझे लगता है जब ऐसे ही मजबूत प्रयास होंगे तब यूनाइटेड नेशंस ही नहीं सारी दुनिया हिंदी के प्रति अटेंटिव होगी। समय सीमा का ध्यान रखते हुए इन्हीं छोटी चिंताओं और आउटलाइन के साथ डिस्कशन के लिए उपलब्ध रहने के वायदे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। शिक्षा के जरिए इंसान में बदलाव लाना संभव है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर कोतेजिन, आपके आपके परिचयात्मक टिप्पणी के लिए, और आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें ये बताया है कि आपका जो विशिष्ट भाषा केंद्र है वो क्या क्या काम कर रहा है, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कोरिया में आप सभी लोग क्या काम कर रहे हैं, ये सब जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मुख्य अतिथि की ओर बढ़ते हैं, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल जी हैं। मैं उनका अभिनंदन करती हूं और उनके व्याख्यान को अब हम आगे सुनते हैं। कोरिया में हिंदी की दिशा और दशा इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर मैं सभी हिंदी प्रेमी भाई और बहनों का अधिक स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और इस अवसर पर कोरिया गणराज्य में भारत की राजदूत माननीय श्री प्रिया रंगराथन जी, प्रोफेसर कोही ताई जिन निदेशक विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र हंकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा भारत, प्रोफेसर लियुंग डीन भारतीय अध्ययन विभाग हंकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, डॉक्टर सोनू त्रिवेदी निदेशक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र सियोल। मेरा सौभाग्य है और सभी उपस्थित जुड़ने वाले जितने भी कोरिया और हिंदुस्तान तथा अन्य देशों से हिंदी के प्रेमी जो जुड़े हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, मैं उन सबका एक बार अभिनंदन कर रहा हूँ, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ और मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ नए वर्ष की, कि नए वर्ष की शुरुआत में ही हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय फलक की दृष्टि से देखते हुए आप इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आपने मुझको याद किया है, और भारत जो हिंदी का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है और हिंदी जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक भाषा है, उस भाषा के उन्नयन और उत्थान की दृष्टि से
कोरिया की जो सजगता है, कोरिया की जो संकल्पशीलता है, मैं उसके प्रति भी बहुत विनम्र भाव से अभिनंदन कर रहा हूँ। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दक्षिण कोरिया के लोगों का ध्यान आकर्षित करना और मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए जो वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है और वो अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत और कोरिया से जुड़ने वाली सभी जो माननीय सदस्यगण हैं, मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब हम एक महत्वपूर्ण भाषा जिसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है, यदि हिंदी को देखेंगे तो इसकी जो शब्द संपदा है वो 9 लाख शब्दों से भी अधिक की पूरी दुनिया में अद्भुत शब्द संपदा है। इसमें लालित्य है, इसमें ममत्व है, इसमें लयात्मकता है, इसमें सजगता है, इसमें संवेदनशीलता है। ये बहुत ही खूबसूरत ऐसी भाषा है जिसकी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। वैसे भी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और 130 करोड़ से भी अधिक लोगों का ये देश पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और ऐसे समय में उस देश को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो उसके जीवन मूल्य हैं, जो उसकी दिशाएं हैं, उन सभी दर्शन को, जीवन दर्शन को समझने के लिए हिंदी भाषा बहुत सशक्त माध्यम है। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय दूतावास के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने जिस तरीके से हुंकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ की विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र के साथ मिलकर के जो ये काम किया है, ये बहुत ही उन्नत काम है। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों संस्थानों को, मैं विश्वविद्यालय के इस केंद्र को और अपने विवेकानंद के सांस्कृतिक केंद्र को, इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। इनके अधिकारियों को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आपको तो मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में जीवन क्या है और ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति जो ये मनुष्य है, इसके जीवन का क्या दर्शन होना चाहिए, क्या है मनुष्य और उस मनुष्य को किस तरीके से पूरी दुनिया में रहना चाहिए, जहां उन्होंने एक और पूरी पृथ्वी को माँ कहकर के वेदों में जो माँ शब्द का है कि वो माँ है, पृथ्वी माँ है, और पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में माने हैं। अयम निजः पर्ववेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। पूरी वसुधा को अपना कुटुम्ब मानने वाली उस संस्कृति के वाहक बन करके और पूरी दुनिया में इस मनुष्य को, इस प्राणी को, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब तक दुखी रहेगा तब तक हम सुख का एहसास नहीं कर सकते हैं, हम पहले उसके दुखों का निवारण करेंगे, ऐसी संस्कृति के ध्वजवाहक बनकर के विवेकानंद जी पूरी दुनिया में गए थे। और आज ये सांस्कृतिक केंद्र उन्हीं के स्मरण में जो बना है, वो निश्चित रूप में भारत की उस गतिविधि को, भारत के उस विचार को, जो माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी माँ के समान है और हम सब उसके पुत्र पुत्रियाँ हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना चाहिए। ओम सेना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधि तमस्तु मा विद्विषामहै। हम सब साथ साथ मिलकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अस्तो मा सद्गमय की बात करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर चलेंगे, सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। ये जो भाव है भारत की संस्कृति का, उसके जो ध्वजवाहक के रूप में विवेकानंद पूरी दुनिया में छाए और एक नया जीवन दर्शन उन्होंने दिया, उसकी स्मृति में जो ये केंद्र है, निश्चित रूप में ये कोरिया में उस विचार को और सशक्त करने का काम करेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं समझता हूँ कि जो ये आज गोष्ठी के जो ये बयाना है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, वो जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नेशनल, इंटरनेशनल, इम्पैक्टफुल, इंटरेक्टिव, इनोवेटिव और इंक्लूसिव
जिस तरीके से ये शिक्षा नीति आई है पूरे अंतिम छोर तक के भी बच्चों को शिक्षा से समृद्ध करना और तकनीकी से समृद्ध करना, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से समृद्ध करना, लेकिन जीवन मूल्यों से भी युक्त रखना, ये जो अभियान नई शिक्षा नीति 2020 के जो एनईपी भारत की आई है, जिसमें सारे विश्व ने उस नई शिक्षा नीति को अपनाने का लगातार एक माहौल बनाया है और भारत में उत्सव के रूप में उस इस नई शिक्षा नीति को लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो इसके जो पाठ्यक्रम है इसमें विदेशी वैकल्पिक विदेशी भाषा के रूप में भी हम लोग पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं और बहु विषय बहुभाषावाद और बहु विषय इन दोनों को लेकर के शिक्षा नीति चल रही है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां स्पार्क के तहत हम दुनिया के शीर्ष 128 विश्वविद्यालयों के साथ शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, वह ज्ञान में बाहर की फैकल्टी को भी अपने देश के अंदर आमंत्रित करते हैं, जबकि ज्ञान प्लस में हमारे देश की फैकल्टी दुनिया में जाए। मुझे लगता है कोरिया और हिंदुस्तान के बहुत अभिन्न संबंध हैं और इस दिशा में ये और आगे सशक्त तरीके से बढ़ेगा। अभी हमने जो एनईपी 2020 के तहत दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, जो शीर्ष 100 के अंतर्गत आते हैं, दुनिया के शीर्ष 100 के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय जहाँ हिंदुस्तान की धरती पर आएंगे वहीं यहाँ के भी शीर्ष विश्वविद्यालय दुनिया की धरती पर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोरिया और हिंदुस्तान इस दिशा में दोनों परस्पर मिलकर के और आगे अच्छा काम कर सकते हो और हिंदी इसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है और इसलिए जो आपने ये शुरुआत की है ये बहुत ही स्तुत्य प्रयास है। वर्तमान में देखा जाए तो कोरिया में हिंदुस्तान से हजारों बच्चे कोरिया में पढ़ रहे हैं और कोरिया से भी यहाँ पर हिंदुस्तान में छात्र आ रहे हैं। हमने स्टडी इन इंडिया करके क्या है कि भारत को जानना है, तो हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अभी 50,000 से भी अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, छात्रों ने, और अभी जो हमारे IITs में 1,000 से भी अधिक आसियान देशों के छात्र शोध और अनुसंधान के लिए आए हैं। हमने स्टडी इन इंडिया के साथ साथ स्टडी इन इंडिया भी किया है। मुझे भरोसा है कि स्टडी इन इंडिया के तहत कोरिया से जो भी छात्र हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं, हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं, हिंदुस्तान में आकर के हिंदी को का अध्ययन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा। वैसे भी हिंदी का बहुत व्यापक प्रचार और प्रसार हो रहा है। मुझे लगता है दुनिया में लगभग दूसरी या तीसरे नंबर की जो भाषा है सर्वाधिक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली है और उसको आम आदमी जिसको ग्रहण करता है, ऐसे हिंदी का बहुत बड़ा व्याप है। और ये अभी जो हमारे यशस्वी कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जो जुड़े हैं हमसे, ये पूरी दुनिया में हिंदी को लेकर के जाएंगे और इनके यहाँ भी दुनिया के तमाम छात्र हिंदी का अध्ययन करने के लिए, हिंदी में शोध और अनुसंधान करने के लिए इस धरती पर आ रहे हैं, वर्धा में आ रहे हैं। और जो हमारा हिंदी संस्थान है, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान हमारा आगरा में है हिंदुस्तान में, उस आगरा हिंदी संस्थान भी विदेशी बच्चों को बहुत लंबे समय से पढ़ाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तो मुझे पता चला 28 देशों के वहाँ पर सैकड़ों छात्र छात्राएं हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हजारों हजारों छात्रों को वो केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी की शिक्षा, हिंदी के डिप्लोमा, हिंदी की डिग्री और उनका हिंदी का अध्ययन और शोध और अनुसंधान कराने की दिशा में सफलता वो उसने पाई है और लगातार वो उस अभियान में जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि हम दोनों देश बहुत मिलकर के इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि कोरिया के विश्वविद्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लगातार सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिनमें किताबों के अनुवाद हैं, कोरियन हिंदी शब्दकोश के निर्माण से लेकर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति जी द्वारा वर्ष 2016 में हिंदी को एक विशिष्ट विदेशी भाषा के रूप में चिन्हित करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और आज जो विदेशी भाषाएं हैं उनमें हिंदी प्रमुख तरीके से वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये उत्साह वर्धक है। और हंकुक विश्वविद्यालय के वीसी को, कुलपति को, कुलाधिपति को और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 2018 से जो विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र के रूप में ये विश्वविद्यालय काम कर रहा है, उसकी स्थापना को करके और हिंदी को शीर्ष प्राथमिकता दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत सुखद है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में शिक्षा का बहुत बड़ा व्याप है, 1000 से भी अधिक यहाँ विश्वविद्यालय हैं, 50,000 से भी अधिक यहाँ डिग्री कॉलेज हैं। यदि शिक्षकों को यदि देखेंगे तो 1,09,00,000 से भी अधिक यहाँ पर शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, और यहाँ 15-16 लाख स्कूल हैं। और कुल छात्रों की आबादी देखी जाए, संख्या देखी जाएगी छात्रों की, तो छात्र संख्या कुल अमेरिका की आबादी से भी अधिक, 33 करोड़ छात्र छात्राएं हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो कोरिया से आने वाले जो छात्र इधर हैं उनके लिए भी बहुत सुखद क्षण होंगे कि वो मेरे हिंदुस्तान को समझें और हिंदी के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के रहन सहन को, यहाँ के व्यापार को, यहाँ के सामाजिक जीवन को निकटता से देखें और समझें और उसका ज्ञान अर्जन करें। वैसे भी भारत ज्ञान का केंद्र रहा है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे। और संस्कृत में एक उक्ति है, तद देश प्रसुप्तस्या सका साधक जन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षण पृथ्वीभ्याम सर्व मानवा। पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जीवन दर्शन को पाने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर आते थे और आज भी वो हिंदुस्तान चाहे योग की दिशा में हो, आज पूरा विश्व के 197 देश योग दिवस मना करके अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। वो योग का भी जन्म इस धरती पर होता है, जबकि आयुषोविदा आयुर्वेद जो आयु का विज्ञान है वो आयुर्वेद भी हिंदुस्तान की धरती पर होता है, जिसको पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। आध्यात्म की और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान तन और मन को ठीक करने के लिए तमाम, मैं हिमालय से आता हूँ और मुझे लगता है कि हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जो आध्यात्म की शक्ति भी देता है, सांस्कृतिक शक्ति भी देता है। तो ये जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान में तमाम प्रकार की ऐसी बहुआयामी आपको शक्तियाँ भी मिलेंगी और परिवेश भी मिलेगा। हिंदी इसके लिए जानने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपके विश्वविद्यालय द्वारा कोरियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स भी कराया जा रहा है, बहुत सराहनीय कदम है, इसकी भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। आसानी से विदेशी भाषाओं को आप सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और साथ ही केंद्र पठन पाठन की सामग्री भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, मुझे बहुत इस बात को भी लेकर के खुशी है। 2020 में हिंदी को लेकर टेस्ट भी आयोजित करवाया आपने, ये भी पहली बार आप इतिहास में कर रहे हैं। मैं आपके केंद्र को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपके जो ये डायरेक्टर हैं जो इस केंद्र के और उनके पूरे जो डीन हैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। 2021 से इस तरह का टेस्ट का आयोजन वर्ष में 2 बार आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी के साथ विदेशी भाषाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए कोरिया सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, मैं कोरिया सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं भी एक शिक्षक से शिक्षा मंत्री के रास्ते से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे लगता है कि एक शिक्षा एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा केंद्र है जो आपको सबसे ज़्यादा सशक्त बनाता है और वो पूरी दुनिया की अंतिम पहुँच तक आपको पहुँचाने में समर्थता देता है। और इसलिए चाहे वो जब हम आपस में मिलते हैं तो जो शोधार्थी हैं, चाहे व्यवसाय से जुड़े हैं, जो कोरिया के बहुत सारे लोग जो भारत को आते हैं तो उनको यहाँ की अर्थव्यवस्था समझने में हिंदी में समझ में आएगा, राजनीति समझेंगे, समाज को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे, यहाँ के व्यावसायिक माहौल को भी देखेंगे और भारतीय सभ्यता की गहराई को और निकटता से समझ सकेंगे।
मुझे लगता है कि ये भाषा से ही ये संभव हो सकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों देशों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर होता है और इसके लिए कोरिया अपनी नई दक्षिणी पॉलिसी और भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये के माध्यम से ये जो आपसी संबंधों में शिक्षा रणनीतिक साझेदारी व्यवसाय और साझी संस्कृति के समेत अनेक क्षेत्रों में मिलकर के आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। मुझे लगता है कि जो बौद्ध दर्शन का जो कोरिया में आगमन ये दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करता है और साथ ही जो महात्मा गांधी जी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जो लिखित दस्तावेजों में कोरिया के प्रति जो समर्थन की बातें मिलती हैं वो इस बात को स्थापित करते हैं कि भारत और कोरिया के बीच बहुत ही अभिन्न संबंध रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस तरीके से 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा करके दोनों देशों ने एक दूसरे के हित में परस्पर सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है ये भी हमारे लिए बहुत सुखद है और ये हिंदी दोनों देशों के बीच एक सेतु का काम करेगा और संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में सेतु का काम करेंगे। हिंदी की जो वर्तमान स्थिति को देखें तो विश्व जैसे मैंने कहा कि ये हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वैश्वीकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में हिंदी बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से पूर्णतः सक्षम भाषा है और इसलिए मुझे लगता है कि इस भाषा में बहुत सामर्थ्य है। दोनों देशों के बीच ये भाषा सशक्तिकरण के रूप में ज्ञान आधारित समाज को के निर्माण के रूप में निश्चित रूप में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी और ये ऐसा वक्त है जब दोनों देश एक सूत्र में हिंदी के माध्यम से अपने दोनों देशों की संस्कृति को साझा कर सकते हैं, उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं और जो सांस्कृतिक संबंध है उससे हमारे और मजबूत होंगे। मैं इस गोष्ठी में जो इसके आयोजक है जो सियोल स्थित भारतीय दूतावास के स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक केंद्र और हंगकुक विश्वविद्यालय के विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र को विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है मैं जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था तब भी मैंने देखा कि कोरिया से उत्तराखंड तक हिमालय तक बच्चे जो हिंदी को पढ़ने के लिए आते थे और हिंदी को समझने के लिए पूरे देश में प्रवास करते थे, तब भी मैंने देखा था कि कोरिया के बच्चे हिमालय तक पहुंचे थे और मुझे भरोसा है कि कोरिया जो हिंदी के सशक्तिकरण की दिशा में जो उसने कदम उठाए हैं उसके विश्वविद्यालय में जो हिंदी का पठन और पाठन तेजी से आगे बढ़ा है निश्चित रूप में ये दोनों देशों के विकास की एक और आधारशिला को खड़ा करेगा। मैं एक बार फिर पूरी दुनिया के सभी उन हिंदी प्रेमी भाई और बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगोष्ठी में जुड़े हैं और एक बार फिर कोरिया सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और इन दोनों संस्थानों के लोगों को जिन्होंने इसको आयोजित किया उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जो हमारे कुलपति हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि निकट भविष्य में कोरिया के साथ और मजबूती के साथ हिंदी के सशक्तता और सबलता उसकी प्रखरता उसकी विस्तारता कैसे करके हो इस पर वो जरूर और ज़रूर करके अच्छे तरीके से एक योजना बनाएंगे ताकि इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। संगोष्ठी की टीम की ओर से मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत सहजता से आपने हिंदी के बारे में बताया है और भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है उसको भी आपने चिन्हित किया है और साथ साथ आपने इन बातों का भी उल्लेख अपने व्याख्यान में किया है कि कोरियाई सरकार हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए क्या क्या कर रही है। मंत्री जी हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम
हम भारतीय दूतावास की तरफ से हमारे हमारे हम जो भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कोरिया में जो कुछ भी कर सकते हैं उसको हम आगे करेंगे, और हम हंगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और जहां भी हिंदी की पढ़ाई होती है वहां हर जगह हम इसके प्रचार प्रसार के लिए, और जो आम कोरियाई नागरिक हैं जो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उसमें हम उसके लिए हम हर प्रकार का प्रयास करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी का, जो कि कुलपति हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्धा से। श्री रजनीश कुमार शुक्ल वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति हैं। इससे पहले वह नई दिल्ली में भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव भी थे। इसके साथ ही वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, नामित कोर्ट सदस्य और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के भी सदस्य हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर शुक्ल हरियाणा राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार में योगदान दे रहे हैं। सन 1991 से ही प्रोफेसर शुक्ल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में तुलनात्मक दर्शन और धर्म के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ उन्होंने भारतीय दर्शन के शिक्षण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर शुक्ल ने कई किताबें और 100 से भी अधिक शोध पत्र लिखे हैं जो भारत और विदेशों में विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कई अखबारों जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा में संस्कृति, धर्म और शिक्षा पर कई लेख और स्तंभ भी लिखे हैं। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ प्रोफेसर शुक्ल को कि वो हमारे साथ जुड़े और अपने अपने शब्दों को, अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। सबको नमस्कार, सबको नव वर्ष की बधाई। अभी हमने भारत के शिक्षा मंत्री को और भारत के शिक्षा मंत्री के व्याख्यान में हिंदी की संभावनाओं पर चर्चा की, उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ बात कहनी है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत माननीय श्री प्रिया रंगनाथन जी का, कोरिया में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक डॉक्टर सोनू त्रिवेदी जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं कोरिया में हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र के निदेशक, जिन्होंने हिंदी को लेकर के वैश्विक प्रश्न कौन कौन से हैं और भारत और हिंदी भाषियों को उसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए, इसका एक वैज्ञानिक कार्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो 85 वर्षों की चल रही शिक्षा प्रणाली को के भारतीयकरण के यत्न के रूप में आई हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तुत करने वाले देश के समक्ष और उस पर तेजी से क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ रहे भारत के शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमने उनको सुना, एक अध्यापक मन से उन्होंने हिंदी की संभावनाओं का चित्र रखा और एक अध्यापक मन से
हिंदी के लिए हम क्या कर सकते हैं इसकी भी बात की, साथ ही यह भी बताया कि हिंदी को सामने रख करके कोरिया और भारत और घनिष्ठ रूप से किस प्रकार से साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी और व्यापार के क्षेत्र में भी और वैश्विक रणनीति के संदर्भ में भी, ग्लोबल स्ट्रेटजीज के लिए भी। इन सारी चीजों को भाषा को केंद्रित करके प्रस्तुत किया उन्होंने, इसके लिए मैं आभारी हूं उनका। इस अवसर पर हमें अभी प्रोफेसर ली यू का व्याख्यान प्राप्त होगा जो भारतीय अध्ययन विभाग के डीन है हांगकांग यूनिवर्सिटी के। इस बीच मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर कोह ताइजिन ने जो जिम्मेदारी का उल्लेख अपने व्याख्यान में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को के लिए दिया कि एक विशिष्ट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी फॉर हिंदी, हिंदी के लिए समर्पित एक विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण और हिंदी के प्रसार के लिए स्थापित विश्वविद्यालय है, उसकी वैश्विक भूमिका का निर्वहन उस विश्वविद्यालय को करना चाहिए। मैं आभारी उनको कि हम प्रयास करेंगे कि वास्तव में वैश्विक भूमिका बने। और हांगकांग यूनिवर्सिटी के भारतीय अध्ययन विभाग के साथ इस विश्वविद्यालय के रिश्ते पुराने हैं, ये हम सब जानते हैं। उसकी भी इस अवसर पर मैं याद करना चाहता हूं, लेकिन इन सब के पहले याद करना चाहता हूं रविंद्रनाथ टैगोर की उस कविता को, लाइट ऑफ एशिया को, जिसमें कोरिया के जागरण के द्वारा भारत की रोशनी पूरे विश्व में फैलेगी, कोरिया के जागरण के द्वारा एशिया संपूर्ण विश्व के नेतृत्वकर्ता महाद्वीप के रूप में उभरेगा, इसकी संभावनाएं प्रकट की थी। मैं वर्धा में हूं, महात्मा गांधी की कर्म भूमि पर हूं, जिस स्थान पर रहते हुए उन्होंने 17 वर्षों तक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिस स्थान पर रहते हुए 1936 में उन्होंने कोरिया के साथ भारतीय मन की सॉलिडरिटी को, उनके एकता को प्रदर्शित करते हुए कोरिया के विजयी होने और कोरिया के विश्व संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान की कामनाएं की थी, वह कामना आज भी वर्धा के अंदर और अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वातावरण में जीवित है, यह आप सबसे निवेदित करना चाहता हूं। मुझे यह कहने की बात की कि कोरिया में हिंदी दशा एवं दिशा, तो एक शब्द में कहें तो कोरिया में हिंदी की दिशा ठीक दिशा है। भारत के लिए कहा जाए पूरब की दिशा है सूर्योदय की दिशा है, प्रकाश की दिशा है रोशनी की दिशा है। 48 वर्षों से कोरिया में हिंदी अध्यापन की विश्वविद्यालय स्तरीय व्यवस्था है 1972 से, और वह विकसित होता गया। एक सही अर्थों में विश्वविद्यालय परिसर कैसा होता है, हांगकांग यूनिवर्सिटी उसका उदाहरण है, जिसमें चार दीवारियां नहीं है। जिसमें आने जाने का प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कोई भी आ सकता है, और जाने की संभावना इसलिए नहीं कि जो आता है एक बार वैश्विक बिरादरी का सदस्य अपने को अनुभव करने लगता है, इसलिए हांगकांग यूनिवर्सिटी के परिसर से बाहर नहीं जाना चाहता है। शायद यही कारण था कि दरवाजों की जरूरत नहीं है, चार दीवारियों की जरूरत नहीं है, एक ऐसा वैश्विक विश्वविद्यालय निर्मित होता है, यह उसकी दशा को बताता है। हिंदी वहां फल फूल रही है, दो दो केंद्रों में फल रही है, दो दो विभागों में फल फूल रही है। हिंदी के सामने दो प्रश्न,
एक भारत के अंदर भारत की संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा का प्रश्न, दूसरा हिंदी बोलने वाले, जानने वाले, समझने वाले दुनिया भर में फैले हुए लोगों को सामने रख करके हिंदी की अंतरराष्ट्रीय मान्यता। ये कोरिया के लोग भी और भारत के लोग भी एक बात जानते हैं कि हिंदी की आवश्यकता बाजार को तो है। वो एलजी सैमसंग को भी है और भारत के कारपोरेट सेक्टर को भी है। दुनिया भर से आ रहे कारपोरेट सेक्टर को, मल्टीनेशनल कंपनीज को हिंदी की जरूरत है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ विश्व बाजार है जिसमें लगातार लोगों की क्रय क्षमता भी बढ़ रही है और जनसंख्या की दृष्टि से भी एक दुनिया का बड़ा भूभाग है। और इस दृष्टि से हिंदी भारत के अंदर एक अखिल भारतीय भाषा, ऑल इंडिया लैंग्वेज, जो लेह से लेकर के, लद्दाख से लेकर के और केरल तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक, सर्वत्र बाजार में बोली जाती है, समझी जाती है, जिसके माध्यम से व्यापार चलता है, बाजार चलता है, लोगों के व्यवहार चलते हैं। और मुझे लगता है कि कोरिया का जो हिंदी के प्रति लगाव है, उस लगाव के कारण से कोरियन कंपनियों ने भारत के बाजार में बिना विदेशी भाव उत्पन्न किए हुए अपने उत्पादों के प्रति स्थान बनाया है। किसी भारतीय को सैमसंग विदेशी सामान नहीं लगता है। यह इसलिए हो सका कि कोरिया ने व्यापार के विस्तार के साथ भाषा का विस्तार की बात। राजनय का भी संबंध कोरिया और भारत का ऐतिहासिक है, सिर्फ गांधी और टैगोर से ही प्रारंभ नहीं होता है, अयोध्या की राजकुमारी के कोरिया में विवाह के साथ प्रारंभ होता है। आज जब हिंदी के ब्याज से उस अयोध्या की भाषा, अयोध्या के उस संपूर्ण क्षेत्र की भाषा, हिंदी को सामने रख करके हम विचार कर रहे हैं, तो यह भी एक सुखद संयोग जैसा लगता है। इसलिए कोरिया और भारत के बीच हिंदी के विकास, हिंदी के विस्तार, हिंदी की भूमिका, इनको लेकर के कोई संशय जैसी चीज नहीं है। ये विकसित होना है, विस्तृत होना है, दोनों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के कारण से, दोनों की जरूरतों के हिसाब से, और दोनों ही राष्ट्रों ने इसके महत्व को स्वीकार करके स्ट्रेटेजिकल विजुअल पार्टिसिपेशन की बात की। वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने पिछले ही कार्यकाल में इस दिशा में विचार किया था। पूरी दुनिया में हिंदी की अलख जगाने वाले भारत के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो जब लुक ईस्ट की ओर कहा था तो कोरिया उनके सामने, कोरिया का विकास और कोरिया के लोगों के साथ जो ऐतिहासिक संबंध थे वो सामने था। इसलिए उस सांस्कृतिक संबंध को आगे बढ़ाने की दृष्टि से दोनों का जो ऐतिहासिक एका पिछले एक शताब्दी से है, जो टैगोर से प्रारंभ होता है, जो गांधी से प्रारंभ होता है, उस ऐतिहासिक एकता और हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध, इन दोनों को और मजबूत करना, सघन करना, इसके लिए हिंदी एक सेतु का काम करेगी निश्चित रूप से। लेकिन हिंदी कोरिया में तभी सेतु का काम करेगी जब भारत में भी कोरियाई भाषा पढ़ाई जाए, पढ़ी जाए और लोगों की स्वीकृति बने। इस दृष्टि से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने
भारत के अंदर सेकेंडरी लेवल पर कोरियाई भाषा को पढ़ाए जाने का निर्णय प्रस्तुत किया है और आने वाले दिनों में सेकेंडरी लेवल पर कोरियन भाषा भारतीय स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। हिंदी कोरिया में पढ़े और कोरियन भाषा भारत में पढ़े तो स्वाभाविक है कि यह जनता के बीच का संवाद, जन के बीच का संवाद अपनी जबान में अपनी भाषा में अपनी बातचीत होती है। आने वाले दिनों में यह बेहतर स्थिति आएगी भारत और कोरिया के बीच जब राजनयिक संबंध और उसके संबंध में होने वाले पत्र व्यवहार और वार्ताएं हों तो दोनों देश एक दूसरे देश को अपनी भाषा में पत्र लिख सकें और बातचीत कर सकें। किसी थर्ड सोर्स लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरत न पड़े। यह शायद वह श्रेष्ठ स्थिति होगी और मुझे विश्वास है यदि हांगकांग विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय साथ साथ आते हैं और योजना बना करके लक्ष्य तय करके हिंदी और कोरियाई भाषा के दोनों ही देशों में विस्तार के कार्यक्रम बना करके साथ चलते हैं तो आने वाले दिनों में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मैं हांगकांग विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय भाषा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर को ताई जिन से अनुरोध करूंगा कि हमें तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि इस दिशा में आगे बढ़ाना है। भारत सरकार ने हमें इस कार्यक्रम में ही एक तरह से निर्देश जारी कर दिया है कि इस दिशा में आगे बढ़ना है। आप और हम साथ साथ हैं, हम निश्चित रूप से इन दोनों ही देशों के बीच हिंदी को केंद्रित करके कोरियन को केंद्रित करते करके भाषा का स्वभाव बदलेंगे और भाषा का स्वभाव बदल करके लोगों के बीच आत्मीय रिश्ते बनाएंगे। भाषा केवल व्यापार बाजार और राजनीति के लिए नहीं है, भाषा मनुष्य निर्माण के लिए है। लाइट ऑफ एशिया की बात जब रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे थे तो कोरिया में पनपी हुई अहिंसक संस्कृति के आधार पर संपूर्ण विश्व को युद्ध से मुक्ति दिलाने के यत्न की बात कर रहे। गांधी जब कोरिया के संघर्ष में कोरिया के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को दिखा रहे थे तो उनका भी उद्देश्य यही था कि कोरिया की जो अहिंसक संस्कृति है, जो बौद्ध दृष्टि है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जो वहां के सामान्य मनुष्य का सांस्कृतिक स्वभाव है उसका विस्तार होना चाहिए। ये दोनों भाषाएं एक दूसरे देश में इस भाव को, इस संवेदना को पहुंचा सकती हैं और कोई कारण नहीं है कि ये दो महान देश अगर एक साथ आते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा, व्यापारिक मजबूती के द्वारा, व्यापारिक प्रसार के द्वारा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ अपनी भाषा में संवाद करते हुए। तो विज्ञान और तकनीक का चेहरा भी बदलेगा, उसका भी मानुषी चेहरा आवश्यक है। आज कोरिया पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है। जिस ढंग से आपने कोरोना को रोका है वह पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है। जिस तरह से इस स्थिति में आपने केवल सियोल ही नहीं संपूर्ण देश में इस वैश्विक महामारी वो तांडव करने से रोका है, आप उसके लिए पूरी दुनिया में एक जीवन प्रणाली के आदर्श बनकर
वैश्विक दृष्टि से और भारतीयों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना साझा कर सकता हूं कि हम भारत में आपका इस विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं। यदि कोरिया संपूर्ण देश कोरोना मुक्त है तो मैं इतना आश्वासन आपको दे रहा हूं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी इस एक वर्ष के कोरोना के पूरे कालखंड में अभी तक कोरोना मुक्त परिसर है। और जब शिक्षा के समक्ष बड़े संकट आए हैं, उस संकट में भी विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया यथावत चल रही है। ऐसे में कोरियाई विद्यार्थियों का भी हम इस विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं। हम कोरियाई के शिक्षकों का आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और इस विश्वविद्यालय के देश में फैले हुए अन्य केंद्रों के विद्यार्थियों कोरियाई भाषा सिखाएं, हिंदी के माध्यम से सिखाएं। क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से कोरियाई भाषा सिखाने का यत्न तीसरी भाषा के रूप में प्रस्तुत करेगा। दोनों ही देशों में एक दूसरे की भाषाएं कम से कम दूसरी भाषा के रूप में प्रस्तुत हों तो सहजता होगी संवाद की और हमारा जो पारस्परिक सहयोग है वो आगे बढ़ेगा। इस दिशा में हम विश्वविद्यालय विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और मुझे विश्वास है कोरिया में स्थित भारत का दूतावास कुछ गंभीर योजनाएं बनाएगा और मैं माननीय राजदूत से यह निवेदन करना चाहूंगा, भारत के राजदूत से, कि आप इस दिशा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से जिस भी प्रकार के अकादमिक सहयोग की अपेक्षा करती है, हम कोरिया में हिंदी के विस्तार, हिंदी के सघनीकरण और मानक हिंदी का जो स्वरूप भारत की सरकार ने पूरे देश के लिए स्वीकार किया है, जिसको विकसित करने में इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके शिक्षण की व्यवस्थाएं अवश्य करेंगे। ऐसा ही हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम विश्वविद्यालय के अध्यापकों के द्वारा इस विश्वविद्यालय में कोरियाई भाषा का शिक्षण और दोनों द्वितीय भाषा के रूप में अगर इन देशों में पढ़ाने का क्रम प्रारंभ करते हैं तो रिश्ते हमारे स्वाभाविक होंगे, बिना किसी तीसरी भाषा के हस्तक्षेप के स्वाभाविक। अंत में एक और बात कहना चाहूंगा, ये प्रश्न पूरी दुनिया में है कि इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में हिंदी बोलने समझने वाले लोग हैं। दुनिया में 30 से ऐसे देश हैं जहां हिंदी प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा है, तृतीय भाषा है और चतुर्थ भाषा भी है। और ये संपूर्ण आबादी मिलाकर के वास्तविक जनगणना की दृष्टि से बात की जाए तो यह 110 करोड़ से ऊपर की। लेकिन उसके बाद भी दुनिया में हिंदी की स्वीकृति नहीं है, ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वीकृति है और ना अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में स्वीकृति। 110 करोड़ से अधिक लोग जिस भाषा को बोलते हों, जानते हों, समझते हों, जिसमें कार्य किया जाना संभव हो, उसकी स्वीकृति कैसे मिलेगी? तो एक प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, यदि भारत में स्वीकृति मिलती है तो पूरी दुनिया में मिलती है। भारत में तो स्वीकृति मिलने लगी है, पिछले 4-5 वर्षों से हिंदी का जो स्वरूप उभर करके आया है, मैंने कहा कि हिंदी आज पूरे देश की भाषा के रूप में उभरी है और उच्च शिक्षा अनुसंधान की भाषा के रूप में इस शिक्षा नीति में उसकी स्वीकृति प्रदान की है और भारत के विश्वविद्यालयों में इस में उच्च शिक्षा और अनुसंधान होगा। पर दुनिया के विविध संस्कृतियों, सभ्यताओं के अनुभव जिस भाषा में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वही भाषा वैश्विक
रूप से एक स्वीकार्य भाषा के रूप में उभर करके आती है। इस दृष्टि से हिंदी जानने वाले कोरिया के सभी ऐसे साहित्यकारों, लेखकों, अध्येताओं से मैं अपील करता हूं कि कोरिया के जन्म की कथा, संस्कृति, इतिहास और थोड़ा विज्ञान, तकनीक, व्यापार, प्रबंधन और आपका जीवन कौशल भी, जिसके नाते आप लाइट ऑफ एशिया नहीं, आज आप लाइट ऑफ वर्ल्ड के रूप में उभर करके सामने आए। वह भारत के लोगों को भी हिंदी के माध्यम से अगर पढ़ने का मिले, कोरियन से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की प्रक्रिया के स्थान पर सीधे आपकी भाषा से भारत की भाषा में आए, सीधे भारत में हिंदी और भारतीय भाषाओं से कोरियन में जाए, तो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी रूपांतरण के, हृदय से हृदय का संवाद खड़ा होगा और स्वीकृति तो तभी बनती है जब दुनिया के नेतृत्वकर्ता देशों में किसी भाषा की स्वीकृति। इसलिए हर हिंदी भाषी की यह अपेक्षा, यह कामना तो है कि कोरिया जैसे जो दुनिया के नेतृत्वकर्ता देशों के रूप में उभर करके आ जाए, भारतीय भाषाओं की, विशेषता हिंदी की स्वीकृति बने। यह विश्व हिंदी दिवस कोरिया के अंदर हिंदी की स्वीकृति के सघनीकरण का, स्वीकृति तो है लेकिन इसको और डेंस्ड करना, इसको और सघन करना है, तो इस सघनीकरण का दिन, सघनीकरण के रास्ते के का दिन बन करके उभरेगा। इस विश्वास के साथ मैंने थोड़ा निर्धारित समय से ज्यादा ले लिया है यह, क्योंकि मैं बुद्धि से नहीं बोल रहा था, हृदय से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा था, और हृदय है कि वो काल में बदलता नहीं है, वो काल को अतिक्रांत कर जाता है, काल से पार चला जाता है। इतना तो कुछ ज्यादा समय हमने लिया है, मुझे मालूम है कोरिया के लोगों के लिए समय की कीमत कितनी है। उसके बाद भी मुझसे यह जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना करते हुए, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, कोरिया स्थित भारत के राज दूतावास के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, हांगकांग विश्वविद्यालय और उसके सभी फैकल्टी मेंबर्स के प्रति, ऑफिशियल्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने अपने भाषण में जो बातें रखी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें लगा ही नहीं कि आप समय सीमा को पार कर रहे थे, और इनफैक्ट मतलब ये इस साल का प्रथम संगोष्ठी है, और हम आशा करेंगे कि हम आपके विश्वविद्यालय के साथ कुछ और भी अलग अलग इवेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करें, और कोरिया के अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं या हिंदी के पठन पाठन के जो केंद्र हैं उनके साथ मिलजुल कर जो यहाँ के छात्र हैं और जो यहाँ के शिक्षक और जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ मिलके हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और भी कई कार्यक्रम करना चाहेंगे जिसमें आपका आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, और हम आशा करेंगे कि उस समय और विस्तार से, अभी तो मुश्किल से 20 मिनट आपसे सुनने को मौका मिला है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपका जो विचार है उसको हम और विस्तार रूप से सुने। और आपने बहुत सहजता से सिर्फ भारत और कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों की ही बात नहीं की है, उसके साथ साथ आपने व्यापार और वाणिज्य पर भी ध्यान हमारा आकर्षित किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, जब हम इन दोनों देशों के बीच में जब देख रहे हैं कि संबंध आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे व्यापार और वाणिज्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, जिसको लेकर हम दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से तो हमारा जो रिश्ता है वो तो है ही बहुत मजबूत, और हमें को और भी आगे बढ़ाना है, और इसमें हम आशा करेंगे कि भाषा जो है हिंदी और कोरियाई भाषा दोनों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान होगा, बहुत बड़ी भूमिका होगी। एक बार फिर से प्रोफेसर शुक्ला आपका हम फिर से बहुत बहुत
धन्यवाद आपके लिए देना चाहते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर ली युंगू को, जो कि डीन है भारतीय अध्ययन विभाग हांगकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के। प्रोफेसर ली युंगू, आपका स्वागत है और हम आपसे आपका विचार सुनना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम उंगुल ली है। मैं हांगकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के भारतीय अध्ययन विभाग में हूँ। विश्व हिंदी दिवस में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रधारित महोदय एक्सलेंसी श्री प्रिया रंगनाथन जी, महोदय निशंक जी, आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल जी, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और आदरणीय त्रिवेदी जी एवं प्रोफेसर गो जी का हार्दिक स्वागत और नववर्ष की शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में महान विद्वानों के साथ दक्षिण कोरिया में हिंदी के बारे में बातचीत करने का मौका मिला है। आज का मेरा भाषण देने का शीर्षक है दक्षिण कोरिया में हिंदी वर्तमान और स्थिति। पहला प्रस्तावना, भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है, इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। भारत में हिंदी का स्वरूप ऐसा है कि वे संस्कृत निष्ठ एक ऐसी आधुनिक भाषा है जो भारत प्राचीन भारतीय सभ्यता की महिमा का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है और भारत देश की आत्मा को समझने में पूर्ण सहायता देती है। भारतवर्ष के संदर्भ में हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। दूसरा, भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध। भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने हैं और आज के कोरिया के लोग प्रायः भारत के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं। भारत और कोरिया के बीच आधुनिक समय में सरकारी या औपचारिक संबंध 1962 में शुरू हुए थे। तभी से हिंदी के महत्व को हमारे देश में अनुभव किया जाने लगा था, पर कोरिया में हिंदी का स्थान इतना ऊंचा नहीं था जितना कि होना चाहिए। 1972 में हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में हिंदी विभाग की स्थापना हुई। तब से यहीं हिंदी के अध्ययन केंद्र बन गया। 1973 में दोनों देशों के बीच राजदूत स्तरीय संबंध भी स्थापित हो गया। आजकल दक्षिण कोरिया में हिंदी की महत्ता अधिक बढ़ती जा रही है और राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर भी कोरिया और भारत के बीच सुदृढ़ संबंध बढ़ता जा रहा है। तीसरा, दक्षिण कोरिया में हिंदी शिक्षण। दक्षिण कोरिया में इस समय दो विश्वविद्यालयों में अर्थात हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और पुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में हिंदी पढ़ाई जाती है। हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के दो परिसर सोल और योंगिन में स्थित हैं। पुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में हिंदी का अध्यापन चल रहा है जो कोरिया के दूसरे बड़े शहर में स्थित है। 1972 तक दक्षिण कोरिया के किसी विश्वविद्यालय या संस्था में हिंदी के अलावा एक भी आधुनिक भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। 1972 में दक्षिण कोरिया के हांगकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में केवल हिंदी शिक्षा का प्रबंध था। ये विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में स्थित है।
इस विश्वविद्यालय ने 1984 में दूसरे हिंदी विभाग की स्थापना योंगिन में की, जो सोल से लगभग 25 मील की दूरी पर है। आज इन दो परिसरों के हिंदी विभाग में हर साल 58 विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं। दक्षिण कोरिया में महान हिंदी विद्वान इजोंगहो, किमुजो, सोहेंगजंग ने हिंदी का अध्ययन करने में और हिंदी सिखाने में श्री गणेश किया। इस समय कुछ विद्वान हिंदी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इनमें प्रोफेसर छेजोंगछन, इमगुंदोंग, कोथेजिन, किमयोंगजंग, इजीहन, इदोंगन, इयनगो विशेष उल्लेखनीय हैं। ये विद्वान हिंदी पर अनेक शोध पूर्ण कार्य कर रहे हैं और पाठ्य पुस्तक तैयार करने में, नवीन शब्दकोश निर्माण करने में भी प्रयत्नशील हैं। योग्य भारतीय शिक्षकों की सहायता लेने के लिए कम से कम दो भारतीय प्रोफेसरों को निमंत्रित किया जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई हानगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में उपलब्ध है। इस समय यहाँ बीए कोर्स में हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या 200 से थोड़ा ज्यादा है और 4 छात्र एमए तथा पीएचडी कोर्स में शोध कार्य कर रहे हैं। 3 साल पूर्व से सरकार की ओर से हिंदी विभाग को अनेक प्रकार की सहायता मिल रही है। कोरिया सरकार हिंदी शिक्षा कार्यक्रम बना रखने के लिए भी हिंदी विभाग को सहायता देता है और छात्रों के अलावा हिंदी सीखना चाहने वाले नागरिकों को भी देता है। दूसरा विश्वविद्यालय बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में 1983 से हिंदी के पठन पाठन का सिलसिला शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अब भारतीय विद्या विभाग हो गया, जिसमें प्रतिवर्ष 33 विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं। इन दोनों विश्वविद्यालय के हिंदी का पाठ्यक्रम 4 वर्ष का है। हानगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में शिक्षा का कार्यक्रम भाषा के स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, तमिल, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। हम प्रयास करते हैं कि भाषा के साथ भारत के साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन और आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए। भाषिक स्तर पर प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण के साथ पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सिखाया जाता है। तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष में हिंदी भाषा का इतिहास तथा हिंदी भाषा की संरचना भी पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के कई विषय सिखाए जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी कबीर आदि की रचनाओं के साथ साथ आधुनिक साहित्य के काव्य, कहानी, नाटक आदि का अध्ययन भी कर सकते हैं। छात्रों की इच्छा पूरी करने के लिए दो मुख्य कार्यक्रम बनाए रखे हैं। पहला तो सर्दी की छुट्टी में आयोजित गहन हिंदी शिक्षण कार्यक्रम है। सर्दी की छुट्टी के दौरान 3 सप्ताहों के लिए प्रतिवर्ष करीब 30 विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के भाषा विभाग से आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जो 25 साल से चल रहा है। दूसरा,
हिंदी भाषा की कुशलता को तीव्र करने के लिए एक अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम का गहन निरीक्षण कार्यक्रम है। ये भी उसी में शिक्षा दी जाती है, जिससे प्राप्त अंक हमारे यूनिवर्सिटी के अंक में स्वीकृत किए जाते हैं। चौथा, हिंदी का विकास। यहाँ के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद ही हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं। अतः कोरियन लोगों के लिए दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा सीखना सहज नहीं है। फिर भी हिंदी के विकास के लिए दो विश्वविद्यालय बहुत प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के भारतीय दूतावास से हिंदी भाषा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। ये प्रतियोगिता न केवल हिंदी शिक्षण के प्रति उत्साह बढ़ाने में सक्षम नहीं, बल्कि हिंदी के परिदृश्य को एक विस्तार मिला है। यहां दक्षिण कोरिया में हिंदी का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हिंदी के प्रति प्रेम एवं जागरूकता बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम है कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में हिंदी को दूसरी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है और इंटरनेट के वेब पेज पर लोगों को हिंदी सीखने की अनेक सामग्री भी मिलती है। सैमसंग जैसी कोरियाई बड़ी कंपनियों ने तो पहले ही से अपने कोरियाई कर्मचारियों को भारत में भेजने से पूर्व हिंदी सिखाने का विशेष प्रयोजन भी किया है। भारत से संबंध रखी हुई कोरियाई कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति के समय हिंदी पढ़े हुए छात्रों को प्राथमिकता दे रही है। निष्कर्ष है, कोरिया में भारतीय विद्या का अध्ययन की परंपरा चौथी शताब्दी से बुद्ध धर्म के आगमन से शुरू हुई, लेकिन दक्षिण कोरिया में हिंदी का अध्ययन अध्यापन 1972 से आरंभ हुआ। वैसा संस्कृत भाषा की तुलना में इतिहास इतना लंबा नहीं है, फिर भी हिंदी की महत्ता बढ़ती ही जा रही है और इसकी आवश्यकता भी है। आजकल दक्षिण कोरिया में हिंदी सीखने वाले दक्षिण एशिया के मामले में विशेषज्ञ बनने की इच्छा है। भारतीय संस्कृति या धर्म के प्रति जिज्ञासा है और भाषा या साहित्य में अपनी दिलचस्पी है। हमारे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पहले तो जर्मन, फ्रेंची, जापानी, चीनी आदि भाषाएं पढ़ना पसंद करते थे, अब हिंदी पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। साथ ही हिंदी जानने वाले कोरियन विद्वान की संख्या भी बढ़ रही है, अतः अनुवाद का काम भी काफी चल रहा है। साहित्य वैचारिक आदान प्रदान ज्यादा और आसानी से हो सकता है। दक्षिण कोरिया में हिंदी की भविष्य आदर भूमि काफी शक्तिशाली है, मजबूत है। आगे चलकर हम कुछ और उच्च स्तर तक पहुंचाने की आशा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ली उनगु आपके व्याख्यान के लिए, और आपने बहुत
सुंदर शब्दों में विस्तार से हमें बताया कि हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज क्या क्या काम कर रही है हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, हमें बहुत खेद है इसके लिए। लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट फैकल्टी मेम्बर्स हमारे साथ जुड़े हैं भारत के कुछ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज से और कोरिया के जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है उससे। तो मैं अनुरोध करूंगी कि मैं सिर्फ दो तीन लोगों को बुलाना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप अपनी जो बात है उसको सिर्फ दो दो मिनट में रखें। डॉक्टर सत्यांशु, डॉक्टर सत्यांशु जो हमारे साथ जुड़े हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, मैं उनको अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो अपनी बात को हमारे समक्ष रखें। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर सत्यांशु जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है सोल में, उसके सबसे पहले हिंदी के शिक्षक थे। डॉक्टर सत्यांशु जी, नमस्कार सभी को। नववर्ष की सबसे पहले सब बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्व हिंदी दिवस की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और भारत के कर्मठ एवं दूरदर्शी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी, भारत में भारत की कोरिया में भारत की राजदूत हिज एक्सीलेंसी श्री पी आर रंगनाथन जी, स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर की निदेशक डॉक्टर सोनू जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रजनी शुक्ल जी, और HUFS के डीन हमारे प्रोफेसर ई उन गुजी और प्रोफेसर कोथेजिन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके व्याख्यान भी हमने बहुत रुचि से सुने। मैं बहुत संक्षिप्त रूप में अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा आज इस अवसर पर। जैसा कि हमारे पहले भी सारे व्याख्यानों में आपने ये सारी चर्चाएं सुनी, मैं दो चार शब्द पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और संवर्धन के लिए, उत्थान के लिए अनेकों तरीके हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है हिंदी को अपनाना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आवश्यक है हम भारतीयों के लिए। सबसे पहले कि हमें हिंदी को अपनाएं, इसको एक उसकी उपयोगिता को समझें, इसको एक अभिमान का विषय बनाएं, ताकि हम इसको जहाँ भी प्रयोग करें हमें इसको एक अभिमान की अभिव्यक्ति हो। और जैसा कि प्रोफेसर शुक्ल ने भी कहा, एक अखिल भारतीय भाषा है और एक ये मिथक है। कई जगह हमने ये देखा है कि एक इस तरह का मिथक चलता है कि भारत में अगर सिर्फ आपको इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा जानने से ही आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हिंदी एक ऐसी अखिल भारतीय भाषा है जिसके जानने से आप और गहराई में भारतीयों के बीच जा सकते हैं और ज्यादा काम आपके हो सकते हैं। पूरे भारत में इसका उपयोग है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा सुझाव जो कि प्रोफेसर कोथी जी के व्याख्यान में आया, हिंदी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये इसके इस दिशा में मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे पूरी भारत की सरकार और हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और संस्थान है इसमें इस दिशा में जरूर सोचे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे GLPT होता है और कोरिया में टॉपिक एग्जाम होता है, इस तरह इसके बारे में भी हम लोग एक प्लान तैयार करें तो बहुत सजग होगा। और हिंदी विश्वविद्यालय संस्थान सोच संस्था, इनको और मजबूत करने की भी आवश्यकता है। और जिस तरह के अब पेंडेमिक से हम लोग निकले हैं, MOOC और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को भी और ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता मुझे लगती है कि कर सकते हैं। और एक अच्छा माध्यम भी है कि हम हिंदी में भारत में रहते हुए भी इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर कर सकते हैं जिसको कोरिया या अन्य देशों में हिंदी को सीखने वाले लोगों के लिए काफ़ी आसान एक रास्ता भी उनको मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय शिक्षा नीति NEP 2020 में कोरियन को एक सेकेंड लैंग्वेज, एक वैकल्पिक भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। हिंदी के लिए भी बहुत उत्साहित हैं कोरिया में लोग। और हमारे, मैं JNU में कोरियन भाषा का प्रोफेसर हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी हिंदी के प्रोग्राम्स चलते हैं, अभी करेंटली चल भी रहे हैं। HUFS के साथ हमारा एक हिंदी का एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। और बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के साथ भी हमारा रेगुलर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आके हिंदी भाषा सीखते हैं। इस साल ये प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहे हैं और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत उत्साह है कोरियन बच्चों में हिंदी सीखने के लिए। तो हमें इस उत्साह को और बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में जैसा कि आप जानते हैं करीब 20 से ज़्यादा ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थान हैं जहाँ सर्टिफिकेट और
इस दिशा में। और अंतिम में हम शिक्षक जो भी कोरियन और हिंदी के को सिखा पढ़ा रहे हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी मैं समझता हूँ अनुवाद को लेकर। ये बात भी व्याख्यानों में हमने सुना कि बहुत जरूरी है कि अनुवाद भी अधिक किए जाएं, हिंदी के और कोरियन के आपसी अनुवाद हों, जिससे हम एक दूसरे के देश भारत की और कोरिया की संस्कृति को और जान पाएं, और दोनों के भाषा के संवर्धन में भी ये एक बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये एक शिक्षकों की भी एक जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि बनती है कि हम लोग अनुवाद के क्षेत्र में भी काफी कार्य हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से विवेकानंद कल्चरल सेंटर को और भारतीय राजदूतावास को और HEFS को इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यांशु आपके सुझावों का। हम कोशिश करेंगे कि हम इन सुझावों को आगे लेकर चलें। और मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर सोन जो बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज से जुड़ी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर सोन बहुत ब्रीफली आप अपने विचारों को हमारे सामने रखिए भारतीय विभाग में हिंदी पढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ से BA करने के बाद दिल्ली में JNU से MA और रिसर्च किया। मैंने हिंदी को इसलिए चुना क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ते वक्त इसका एक भविष्य दिखा, एक स्पष्ट दिशा दिखाई दी, और इसीलिए हिंदी पढ़ा भी रही हूँ ताकि हिंदी पढ़ने के बाद हमारे छात्र आगे चलकर भारत और कोरिया के बीच स्थापित होने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक, खेल आदि गतिविधियों में सहायक बने और दोनों देशों के आपसी संबंध को सदैव बनाए रखने में भागीदारी भी करें। लेकिन अफसोस की बात है कि अब मुझे हिंदी की दशा और दिशा ठीक नहीं लग रही है। हमारे विश्वविद्यालय में 2021 से हिंदी की कक्षा लगभग बंद होने जा रही है। हिंदी को हमारे नए पाठ्यक्रम से बाहर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में बिजनेस के लिए केवल अंग्रेज पर्याप्त है, इसलिए हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि व्यापार आदि के लिए भी किसी देश की प्रमुख भाषा की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में भी ज्यादातर जनसंख्या हिंदी भाषा भाषी है और हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय भाषा के रूप में विदेशों में ज्यादातर हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी को हटाने की बजाय आगे चलकर भारत की दूसरी भाषाओं को भी पढ़ाया जाए तो दूसरी बात है। हिंदी भारत की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करती है और अंग्रेजी उसकी जगह कभी नहीं रह सकती। इस तरह देखा जाए तो कोरिया में हिंदी जैसी महत्वपूर्ण भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के बजाय उसे पाठ्यक्रम से ही हटा दिया जाने पर पहले तो इसकी दशा खराब होगी और उसके बाद दिशा भी अनिश्चित हो जाएगी। आशा है कि आप लोग इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सोन। हम आशा करेंगे कि आपकी बातों को बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में सुना जाएगा और हमसे भी जो भी कोशिश होगी हम लोग उसके लिए कार्यरत रहेंगे। डॉक्टर धीरज जो हांगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज से जुड़े हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी हमारे समक्ष अपनी बात को रखिए। जी नमस्कार, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। हिंदी की दशा और दिशा, इस विषय पे विचार करने के क्रम में अभी जो मैंने प्रोफेसर सोन से सुना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी भाषा जानने से काम चल जाएगा, उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ कि भारत की वस्तु स्थिति यह है कि अगर आप वहां हिंदी ना जाने तो वहां आप दो घंटे ही आराम से जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी से काम चल जाएगा, वस्तु स्थिति यह है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, अगर उसको रेशियो में निकाला जाए तो 15% से ज्यादा लोग अंग्रेजी भाषा में कंफर्टेबल नहीं है। 15% से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, या तो आप बाजार में जाए, या आप व्यापार करने जाए, या आप कोई भी काम करने जाए भारत में, तो वहां पे हिंदी
आपके लिए एक नितांत अनिवार्य अंग के रूप में सामने आएगा। इसी के साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो यह एक दुष्चक्र हो सकता है कुछ लोगों का, जिन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका सशक्त विरोध करना चाहिए। वर्धा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने इस ओर से हम लोगों को आश्वस्त किया है, कोरिया में रहने वाले लोगों को जो हिंदी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि आगे चलकर भारत सरकार और वर्धा विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मुकम्मल ठोस योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे हिंदी को ज्यादा विस्तार दिया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं बातों के साथ मैं सोनू मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दूसरे प्रतिभागियों को आमंत्रित करें। धन्यवाद डॉक्टर धीरज। अब समय आ गया है जब इस कार्यक्रम का हम अंत करने का समय आ गया है। एक घंटे 45 मिनट से हम जुड़े हुए हैं और अलग अलग मुद्दों पे बात हुई है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय दूतावास की तरफ से मैं सभी स्पीकर्स का को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमसे जुड़े। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश पोखरियाल जी, जो माननीय शिक्षा मंत्री है भारत सरकार में, श्रीमती श्री प्रिया रंगनाथन, कोरियाई गणराज्य में भारत की राजदूत, प्रोफेसर कोते जिन जो कि निदेशक हैं विशिष्ट विदेशी भाषा शिक्षा केंद्र हांगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में, और प्रोफेसर रजनीश शुक्ल, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, तथा प्रोफेसर ली युंगू जो कि डीन है भारतीय अध्ययन विभाग हांगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के। इसके साथ साथ जितने भी लाइव पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और जो कि अन्य जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के साथ जुड़े हैं, और जो छात्र हैं भारत और कोरिया में, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ साथ मैं अपने टीम मेंबर्स का, जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में हमारे साथ कार्यरत हैं और भारतीय दूतावास में जो हमारी तकनीकी टीम है, उसका मैं बहुत बहुत उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप हम सब लोगों ने मिलके इसको एक अच्छा मकाम दिया है और हमें मौका मिला आज नववर्ष के उपलक्ष में, जो हमारा पहला कार्यक्रम था वो हिंदी पर हमने उसको रखा है और हिंदी के प्रचार और प्रसार की भी चर्चा हमने की है। कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सुझावों को हम आगे लेकर चले, और साथ साथ ये साल का पहला महीना है और हम कोशिश करेंगे कि भारत और कोरिया के विभिन्न यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके हम और भी कार्यक्रम करें। सत्यांशु जी जुड़े थे हमारे साथ, हम और बुसान यूनिवर्सिटी से भी लोग जुड़े थे, हम कोशिश करेंगे कि उन सबके साथ मिलके हम और भी कार्यक्रम करें जहाँ की छात्रों को बोलने का, छात्रों को और रिसर्चर्स को बोलने का ज्यादा मौका मिलेगा। आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे खेद है कि उन सभी को मौका नहीं मिल पाया बोलने का, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे हम कई कॉम्पिटिटिव इवेंट्स भी कर सकते हैं और लेक्चर्स भी रख सकते हैं, स्पेशल लेक्चर्स और कॉम्पिटिशन्स हम आगे करेंगे जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने और बातचीत करने का मौका मिले। इसके साथ अब इसके साथ मैं अंत में आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के साथ जुड़े रहें और हमारे आगे के कार्यक्रमों में जुड़ते रहें। आपको हमारे अगले अपकमिंग इवेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस से मिलता रहेगा और आप हमें लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके सुझावों को हम अपने अपने प्रोग्राम्स में आगे लें और उसके क्रियान्वयन के लिए आगे हम कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी का, सभी स्पीकर्स का और सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।